मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। बहुत अच्छी जबरदस्त कहानी है, इस कहानी में भावनात्मक जुड़ी हुई है। ये कहानी शायद आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं देखोगे। एक छोटे से बच्चे की कहानी है, उसका पहला जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसके सामने केक रखा गया और उस केक को वो बहुत ध्यान से देख रहा था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो चेरी, लाल कलर का जो चेरी था उस चेरी को देख रहा था। उसके पास कितने मेहमान आए उसको पता नहीं था, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे पता नहीं था, लेकिन वो बच्चा सिर्फ चेरी को देख रहा था। फिर जन्मदिन मनाया गया, फिर उसके बाद समय बदलता गया, फिर उसकी बहन के साथ उसका जन्मदिन मनाया गया। उसकी बहन बाजू में खड़ी थी और फिर बहन को बता रहा था कि ये चेरी मुझे चाहिए, ये केक जो आया है इसका चेरी मैं खाऊंगा। और वो बच्चा क्या करता है, जन्मदिन मनाने के पहले उस चेरी को निकाल लेता है, जीप लगा देता है, बोलता है ये चेरी मेरा हो गया, ये चेरी किसका हो गया, ये चेरी मेरा हो गया। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है और बड़ा हो जाता है, फिर उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है और उस लड़की को फिर वो अगला जो जन्मदिन रहता है उस लड़की के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाता है और फिर उसका ध्यान किस पर रहता है, चेरी पर रहता है। लेकिन इस बार वो चेरी क्या करता है, वो क्या करता है, सिस्टर को नहीं देता है, खुद को नहीं देता, किसको देता है, अपने फ्रेंड को देता है। फिर उसके बाद समय बदलता गया, फिर उसने अपने वाइफ के साथ जन्मदिन मनाया और यहाँ पर भी क्या था बेटा, चेरी वाला केक था, यहाँ पर भी चेरी वाला केक यहाँ पर भी वो देख रहा था। फिर समय बदलता गया, वो बुजुर्ग हो गया, अब ना तो उसकी वाइफ उसके साथ में थी, ना उसके बच्चे उसके साथ में थे, कोई भी नहीं था उसके साथ में। उसको याद भी नहीं था कि उसका जन्मदिन है, उसको पता भी नहीं था उसका जन्मदिन है। और उसके बाद क्या होता है, उसको उसके जो आजू बाजू के बच्चे लोग रहते हैं वो बताते हैं कि अरे दादाजी आज आपका जन्मदिन है। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ आज आपका जन्मदिन है और हमने आपके लिए केक लेके आया है, ये देखो चेरी वाला केक। और वो चेरी वाला केक सामने लेकर आता है, वो बच्चा जो बुजुर्ग हो गया है वो देखता है और उसको तो चेरी में इंटरेस्ट भी नहीं था, केक में भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो क्या करता है पता है आपको, वो चेरी वाला केक काटता है और उस एरिया में जो सबसे सुंदर बच्ची रहती है छोटी सी, उस बच्ची को बुलाता है और वो केक उसको दे देता है, बोलता बेटा ये चेरी का वाला केक आपका। कहानी खत्म हो गई मित्रों, इसमें वो इंसान भी वही था और चेरी वाला केक भी था। तो क्या बदल रहा था बताइए, वक्त बदल रहा था, लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा था, जिस चीज के पीछे आज हम लोग भाग रहे हैं कभी यही चीज आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। जैसे चेरी वाला केक का बचपन से वो ध्यान दे रहा था, जब वो बहन से झगड़ा कर रहा था तो फटाक से जीप लगा रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया है, ऐसा वक्त आ जाता है कि उस चेरी वाले केक भी उसको याद भी नहीं रहता है और वो वहां की वो अपने चेरी वाले केक किसी और को दे देता है। मित्रों जिंदगी ऐसी है, इसी तरह की जिंदगी है हमारी, और अपने इमोशन को, अपने लाइफ को, जिम्मेदारी को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपको इसी किसी